देश की सरहदों पर लोगों की सुरक्षा में लगे सैनिकों के सम्मान में हर वर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। बुधवार को सेना दिवस के मौके पर सोलन के देवघाट के स्थायी निवासी और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप खन्ना ने कहा कि बतौर सैनिक अपने जीवन को नई दिशा देना गौरव की बात है। बुधवार को सोलन में 72वां सेना दिवस मनाया गया। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप खन्ना ने सेना दिवस के मौके पर युवाओं को भारतीय सेना में अपना करियर बनाने और देश की रक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश सेवा में अपनी जान गंवाने वालों को शहीद का दर्जा प्राप्त होता है, जो अगली पीढ़ी के लिए भी मिसाल बनता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ अधिकतर युवा देश सेवा के लिए सेना में अपनी किसी न किसी रूप में सेवाएं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप खन्ना ने देश और प्रदेश के युवाओं में बढ़ते नशे की लत पर भी चिंता जताई और कहा कि आज देश का युवा भटक रहा है। सही मायनों में जीवन जीने से हताहत होकर युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जकड़ती जा रही है, जिससे उभरने के लिए सभी को एक साथ प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें सेना में भर्ती होकर देश सेवा का जज्बा जगाना होगा। आज हमारा 72nd आर्मी डे है, 49 से शुरू होता था, तो मैं प्रदेश के और देश के युवाओं को, लड़कों और लड़कियों दोनों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग सब फौज में आओ। फौज का मतलब सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों में आए और अपने देश की सेवा करें। यही एक जगह है जहां पे आप बिल्कुल खुले दिल से देश की सेवा कर सकते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि अभी तक मैंने देखा है कि हमारे जो युवा हैं जो फौज में आते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। मैं तो 71 से देख रहा था, 71 की लड़ाई में भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो सब मरने को तैयार होते हैं। और आपने अभी भी देखा है, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए या नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, कभी भी हमारा जो सैनिक है, जो हमारा युवा है, वो पीछे नहीं हटा। और मेरा संदेश यही है कि आइए, हमारी फौज में आइए, हमारी वायुसेना में आइए। मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट सोलन, मैंने यहाँ देखा है कि पिछले कोई 9-10 सालों से यहाँ पे ये नशे का चक्कर बढ़ गया है और ये सब नशीली जो दवाई है वो नीचे से आ रही है। आप सबको पता है कहाँ से आ रही है और हमें इसको रोकना है। मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के बच्चों से, लड़के लड़कियों से, सबसे कि प्लीज इस नशे को छोड़ दें। ये नशा आपको बर्बाद कर देगा। आपने ये बर्बादी होते हुए देखी है पहले निचले स्टेट्स में, इस बर्बादी को अपनी स्टेट में मत आने दें। युवाओं से और उनके पेरेंट्स से और यहाँ के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बच्चों के लिए नीचे से नशीली दवाएं मत लाइए, हमारे बच्चों को खराब मत कीजिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पता लगता है तो किसी ना किसी तरीके से, आपको अगर पुलिस में भी जाना पड़े तो जो ये सप्लाई कर रहे हैं उनको पकड़वाइए और अपने बच्चों को बचाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।